में हम लोगों ने पार्ट वन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में और डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे परफॉर्म किया जाता है और डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे परफॉर्म किया जाता है उनके शॉर्टकट मेथड हमने देखा था। तो पार्ट टू में हम लोग देखेंगे मिनिमल स्पैनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स को और इनके शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्पैनिंग ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्पैनिंग ट्री के बारे में आपको पता होगा कि एक ग्राफ अगर गिवन है तो उससे आप एक ट्री ग्राफ बना सकते हैं। ट्री ग्राफ मतलब जिसमें कोई भी साइकिल ना हो। तो जैसे कि ये जो गिवन ग्राफ है उसमें चार वर्टिसेस हैं, तो चार वर्टिसेस वाला ही आपको ट्री ग्राफ बनाना है। तो बहुत सारे ट्री ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक ऐसा ट्री ग्राफ बना सकते हैं, आई होप आपको ये विजिबल होगा। तो एक ये ट्री ग्राफ पॉसिबल है और एक ऐसा ट्री ग्राफ भी पॉसिबल है और एक ऐसा भी ट्री ग्राफ पॉसिबल है। तो कई सारे ट्री ग्राफ्स पॉसिबल होंगे गिवन ग्राफ के लिए। तो अगर आपको किसी मोमेंट पे ये फाइंड करना है कि हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ मतलब क्या होता है कि जिस ग्राफ में हर एक वर्टेक्स सभी वर्टेसेस से कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें ये मेंशन कर लें कि कौन कौन से वर्टेसेस हैं ए बी सी डी, तो ए वर्टेक्स जो है वो बी सी डी तीनों से कनेक्टेड है। इसी तरह से जो बी वर्टेक्स है वो ए से भी कनेक्टेड है, वो डी से भी कनेक्टेड है, वो सी से भी। तो हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है, तो इसको हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। तो अगर मेरे पास एक कंप्लीट ग्राफ गिवन है और उसमें एन वर्टेसेस हैं तो टोटल स्पैनिंग ट्रीज जो पॉसिबल होते हैं वो होते हैं एन रेस्ट टू द पावर एन माइनस टू। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए जहां पे चार वर्टेसेस हैं तो फोर रेस्ट टू द पावर फोर माइनस टू, इट मीन्स फोर स्क्वायर स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल होंगे, 16 स्पैनिंग ट्री पॉसिबल होंगे फॉर द गिवन ग्राफ। अगर आपको ये फाइंड करना है कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या होगा हमारे गिवन ग्राफ के लिए, तो मिनिमल स्पैनिंग ट्री को समझने के लिए हम जरा एक वेट्स कुछ स्पेसिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने हर एक एज को कुछ वेट असाइन, तो ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें आपने हर एक एज को कुछ कॉस्ट असाइन कर। ऐसे ग्राफ का अगर आप स्पैनिंग ट्री बनाए तो अगर हम ऐसा स्पैनिंग ट्री बना पा रहे हैं जिसमें कि एजेस की कॉस्ट का सम मिनिमम है तो उसको हम कहेंगे मिनिमल स्पैनिंग। करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्राफ है उसमें अगर हम थ्री कॉस्ट वाली एच को सेलेक्ट कर लें एंड देन फोर कॉस्ट वाली एच को सेलेक्ट कर लें, ये क्रॉस एच दिख रही है लेकिन इसको क्रॉस मानेंगे नहीं हम, और इसके बाद फिर हम एक सिक्स कॉस्ट की एच को सेलेक्ट, तो ये हमारा एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री है। करेक्ट। तो मिनिमल स्पैनिंग ट्री वही होगा जिसमें कि एजेस की कॉस्ट का जो सम होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमल स्पैनिंग ट्री को या मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हैं, प्रिम्स मेथड है और एक क्रस्कल मेथड है। तो अभी हम प्रिम्स मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, शॉर्टकट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिम्स मेथड का। तो शॉर्टकट मेथड के लिए आप सबसे पहले क्या करो कि जो आपके वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस को यहाँ पे मेंशन कर लो और वहीं पे या उसी लोकेशन पे आप इन वर्टिसेस को लगाना जहाँ पे ये ओरिजिनल ग्राफ में दिखता है। करेक्ट। तो ये हमारा वर्टेक्स है, वर्टिसेस जहां जहां दिख रही है V1, V2, V3, V4, V5, V6, हमने इनको वही वही लगा लिया। अब यूजुअली क्या होता है कि प्रिम्स एल्गोरिथम में एक रूट स्पेसिफाइड होता है। तो अगर मान लीजिए कि ये ट्री है और उसमें हमसे कहा गया कि रूट V4 है तो हमारा जो प्रोसेस है वो V4 से स्टार्ट होगा। और अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा वर्टेक्स रूट है तो हम ऑर्डर में आने वाले सबसे पहले वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस केस में हम अगर गिवन नहीं है इस सिचुएशन में तो मान लेते हैं कि V1 इज द रूट, ठीक है। ऑर्डर में आने वाला जो पहला वर्टेक्स है उसी को हम रूट नोड मान लेंगे और पहले वर्टेक्स को या जो रूट वर्टेक्स आपने सेलेक्ट किया है उससे जाने वाले सभी एजेस को आप एनालाइज करें और देखें कि मिनिमम कॉस्ट की एज कौन सी है। तो V1 से V2 वन कॉस्ट की एज है जिसको हम पहले सेलेक्ट कर लें। तो सबसे पहला हमारा जो एज सेलेक्ट हो रहा है इसमें V1 से V2 एज सेलेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा डिले शायद है। V1 से V2 सेलेक्ट जब आप कर लेंगे एज को तो देन उसके बाद दो वर्टिसेस आपके सेलेक्ट हो गए V1 V2। अब आप इन दोनों वर्टिसेस से जाने वाली एजेस को एनालाइज कीजिए और सबसे कम कॉस्ट वाली एज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे V2 और V3 जो है इसकी कॉस्ट 2 है, हम इस एज को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी कॉस्ट 2 है। इसके अलावा सभी एजेस की जो कॉस्ट है उससे ज्यादा है, केवल V2 से V3 एज जो है उसकी कॉस्ट 2 है, तो हम V2 से V3 वाली एज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि V1, V2 और V3 हमारे तीन वर्टिसेस हो गए, इन तीनों वर्टिसेस से जाने वाली सबसे कम कॉस्ट की एज को हम सेलेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों वर्टिसेस से जाने वाली जो सबसे मिनिमम कॉस्ट की जो एज है वो
वो है V3 से V6 जिसकी कॉस्ट है 2। तो अब हमने जो नेक्स्ट सिलेक्शन किया है H का वो है V3 से V6 जिसकी कॉस्ट है 2। अब आपके सेट में चार वर्टेक्स हो गए V1 V2 V3 और V6। इन चारों से जाने वाली जो एजेस उनको एनालाइज कीजिए और सबसे कम कॉस्ट की एज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस केस में V6 से V5 जो एज है जिसकी कॉस्ट है 1 इसका सिलेक्शन होगा क्योंकि इसकी कॉस्ट मिनिमम है, इसकी कॉस्ट 1। अब इसके बाद हमारे पास पांच वर्टिसेस हो गए V1 V2 V3 V6 और V5। इन सबसे जाने वाली जो मिनिमम कॉस्ट की एज है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। इस केस में मिनिमम कॉस्ट की एज है V5 से V4 जिसकी कॉस्ट है 2। तो फाइनली हमने इस एज को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस एज के सिलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि हमने सभी वर्टेक्स को कनेक्ट कर दिया है। टोटल मेरे पास 6 वर्टेसेस थे और आपने 5 एजेस का सिलेक्शन कर लिया है। क्योंकि आपने 5 एजेस का सिलेक्शन कर लिया है इसका मतलब है कि आपने मिनिमल स्पैनिंग ट्री बना लिया। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या मेंशन करना है, कॉस्ट ऑफ ट्री मेंशन करना है। तो कॉस्ट ऑफ ट्री क्या होगा, सभी एजेस की कॉस्ट का सम। तो 1 + 2 + 2 + 1 + 2। ठीक है, सभी एजेस जो है उन सबकी कॉस्ट को आप सम कर दीजिए, यही आपकी ट्री की कॉस्ट होगी। तो ये जो ट्री की कॉस्ट है वो आपको मेंशन करना कंपलसरी है, याद रखिए एग्जाम। साथ ही साथ जो आपने प्रोसेस किया है उस प्रोसेस में पहले स्टेप में कौन सी एज सेलेक्ट हुई उसको सेपरेट डायग्राम से दिखाइए, दूसरे स्टेप में कौन सी एज सेलेक्ट हुई उसको सेपरेट डायग्राम से दिखाइए, तीसरे स्टेप में कौन सी एज सेलेक्ट हुई उसको सेपरेट डायग्राम से दिखाइए। इस तरह से पांच आपने एज सेलेक्ट किया है तो पांच अलग अलग डायग्राम के थ्रू आप इसको बताएं कि इस स्टेप में ये वाली एज सेलेक्ट हुई, इस स्टेप में ये वाली, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रिम्स एल्गोरिथम से फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री विद यूजिंग द प्रिम्स एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हमने वर्टिसेस को ड्रॉ कर लिया और उसी पोजिशन पे वर्टिसेस को ड्रॉ किया जहां पे ये ग्राफ में दिख रहे हैं। तो मैंने सभी वर्टिसेस को उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया। तो अभी मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी रूट नोड स्पेसिफाइड नहीं है, तो ऑर्डर में आने वाले सबसे पहले वर्टेक्स को हम रूट नोड मान लेंगे। इस केस में जो रूट नोड माना जाएगा वो 1 माना जाएगा। करेक्ट, इस केस में जो रूट नोड माना जाएगा वो 1 माना जाएगा क्योंकि ऑर्डर में आने वाला सबसे पहला वर्टेक्स वही। अगर रूट स्पेसिफाइड होता, लेट्स से कि रूट कहा जाता कि 6 है, तो हम अपना प्रोसेस 6 से स्टार्ट करते, लेकिन इस केस में रूट स्पेसिफाइड नहीं है तो हम कहेंगे कि हमने 1 से ही स्टार्ट करना है, ऑर्डर में आने वाले पहले वर्टेक्स को हम रूट मान। तो 1 से जाने वाली एजेस को एनालाइज कीजिए और उसमें मिनिमम कॉस्ट की एज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस केस में 1 से 2 एज की कॉस्ट 6 है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे अपने ट्री में। अब मेरे पास दो वर्टिसेस हो गए 1 और 2। इन दोनों से जाने वाली एजेस को हम एनालाइज करेंगे और मिनिमम कॉस्ट की जो एज होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए कि 1 और 2 से जाने वाली मिनिमम कॉस्ट की जो एज है वो है 1 से 3 जिसकी कॉस्ट है 7। तो हम 1, 3 एज को जिसकी कॉस्ट 7 है इसको सेलेक्ट कर लेते। फिर इसके बाद 1, 2, 3 से जाने वाली एजेस को एनालाइज कीजिए और मिनिमम कॉस्ट की एज को सेलेक्ट कर लीजिए। इस केस में ये 3 से 5 एज है जिसकी कॉस्ट है 4। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 5 इन सबसे जाने वाली जो एजेस हैं उनको आप एनालाइज कीजिए और इसमें मिनिमम कॉस्ट की जो एजेस को सेलेक्ट कर लीजिए वो है 3 से 4 जिसकी कॉस्ट है 5। फिर 1, 2, 3, 4, 5 इन वर्टिसेस से जाने वाली एज को आप सेलेक्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इनसे जाने वाली एजेस को आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें मिनिमम कॉस्ट की एज फाइंड करें। इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो मिनिमम कॉस्ट की जो एज है वो है 4 से 5 और 4 से 5 एज को अगर आप ऐड कर देंगे तो एक साइकिल बन जाएगी 3, 4, 5, इसलिए आप इस एज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, इस एज को डिस्कार्ड कर देंगे। ये भी आप स्टेप में शो करेंगे कि 6 के सिलेक्शन के कारण या 4 से 5 एज जो आप सेलेक्ट करें जिसकी कॉस्ट 6 है, अगर हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरा साइकिल बन जाएगा, इसलिए हम इस एज को डिस्कार्ड कर देंगे। मेरी आवाज कंटिन्यूस आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ओके सर। 1, 2, 3, 4, 5 जो वर्टिसेस हैं इनसे जाने वाली मिनिमम कॉस्ट की एज को आप देखिए, तो मेरे ख्याल से 5 से 7 एज है जिसकी कॉस्ट 7 है, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, तो हमने एक और एज सेलेक्ट कर दिया 5 से 7 जिसकी कॉस्ट 7। अब 1, 2, 3, 4, 5 और 7 से जाने वाली एजेस को हम एनालाइज करेंगे और लीस्ट कॉस्ट की एज को सेलेक्ट करेंगे। इस केज में ये होगा 7 से 8 जिसकी कॉस्ट होगी 6।
एक नई एज हमारी ऐड हो गई 7 से 8 जिसकी कॉस्ट है 6. फिर 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 वर्टेक्स से जाने वाली एजेस को हम सेलेक्ट कर देखेंगे और उसमें से मिनिमम कॉस्ट की एज को देखेंगे. तो देखिए कि इसमें मिनिमम कॉस्ट की एज है 2 से 3, लेकिन अगर आप 2 से 3 कॉस्ट की एज को ऐड कर देंगे तो 3 कॉस्ट की 2 से 3 कॉस्ट की जो एज है अगर आप उसको ऐड करेंगे तो इससे साइकिल बन जाएगी. 2 से 3 8 कॉस्ट की एज को सेलेक्ट करेंगे तो साइकिल बन जाएगी, इसलिए इसको डिस्कार्ड करेंगे हम और हम एक नेक्स्ट नेक्स्ट एज ले लेंगे मिनिमम कॉस्ट की, वो है 8 से 6 जिसकी कॉस्ट है 8. तो हमने 8 कॉस्ट की एज यहां से सेलेक्ट कर लिया 6 टू 8. आप देख सकते हैं कि सारे के सारे वर्टिसेस कनेक्ट हो गए हैं, कोई भी साइकिल नहीं है ग्राफ में, तो हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑब्टेन कर लिया. आपके पास टोटल 8 वर्टिसेस थी, आपने 7 एजेस को सेलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब कि ये करेक्ट है हमारा. इन ट्रीज को हिस्ट्री को फाइंड करने के बाद आप जितनी भी एजेस हैं उन सब के कॉस्ट को ऐड करके दिखाएंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आंसर देते समय आपको इन सभी एज की कॉस्ट को ऐड करके बताना, ठीक है? तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर मेरे ख्याल से 43 आ जाएगा. डायरेक्टेड ग्राफ में भी पूछता है? हाँ जी, डायरेक्टेड ग्राफ में भी पूछेगा सर, फ्री में सर. डायरेक्टेड ग्राफ में पूछेगा तब भी आप इसी तरह से यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे. ओके. अच्छा, आप दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं जो कि है क्रस्कल मेथड. अभी हमने प्रिम्स मेथड डिस्कस किया, अब हम क्रस्कल मेथड डिस्कस करते हैं. प्रिम्स मेथड में आपने देखा कि जो वर्टेक्स सेलेक्ट होती है एज के कनेक्शन के कारण, आप उनके थ्रू आगे जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एजेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन क्रस्कल एल्गोरिथम पूरे ट्री में से मिनिमम एज को सेलेक्ट करता है. तो एक बार फिर से हम इन वर्टिसेस को उनकी पोजीशंस पे, जहां पे भी है उनकी पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से उनको बना लेते हैं एंड देन उसके बाद क्रस्कल एल्गोरिथम देखते हैं. तो क्रस्कल एल्गोरिथम में हमने वर्टिसेस को ड्रॉ कर लिया. अब उसके बाद देखते हैं कि पूरे ट्री में मिनिमम कॉस्ट की एज कौन सी है. यहाँ पे रूट स्पेसिफाइड नहीं होगा क्रस्कल एल्गोरिथम, ध्यान रखिए कि क्रस्कल एल्गोरिथम में रूट स्पेसिफाइड नहीं होगा. पूरे ट्री में देखिए कि मिनिमम कॉस्ट की एज कौन सी है. तो एक है v1 से v2 1 कॉस्ट की एज, हम उसको सबसे पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद v1 से v2 एज को ऐड करने के बाद एक और है 1 कॉस्ट की एज जो है v5 से v6, हम उसको भी ऐड कर देते हैं. थोड़ा सा डिले है. आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड, आवाज में बोल ही नहीं रहा था, डिले थोड़ा सा था इसलिए मैं अभी होल्ड कर दिया था. मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो दो एज तो आपको दिख गया होगा ना कि दो एज आपने किस तरह से ऐड किया है इसमें. यस और नो बच्चों, प्लीज बता दीजिए. यस सर. तो दो एज आप अगर ये प्रिंस एल्गोरिथम होता तो v1 v2 को सेलेक्ट करके और v1 और v2 से जाने वाली मिनिमम कॉस्ट की एज को देखते, लेकिन चूंकि ये क्रस्कल एल्गोरिथम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जिस एज को सेलेक्ट कर रहे हैं बने कि मिनिमम कॉस्ट की एज ट्री वाइड सेलेक्ट कर ले रहे हैं. तो पहले v1 v2 सेलेक्ट हो जा रहा है एंड देन v5 v6 सेलेक्ट हो जाए, ठीक है ना? फिर से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं. आगे तो अब हम नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट की एज को सेलेक्ट करेंगे. तो नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट की एज 2 कॉस्ट की है v2 से v3, अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट की एज 2 कॉस्ट की हमारे पास है v3 से v6, उसको सेलेक्ट कर लेंगे. फिर नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट की एज है v4 से v5, इसकी कॉस्ट 2 है, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे. तो देखिए कि सारे के सारे वर्टिसेस कनेक्ट हो गए, तो ये हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री हो गया क्रस्कल एल्गोरिथम के थ्रू. अगर 6 वर्टेक्स हैं तो 5 एजेस इसमें सेलेक्ट. ध्यान रखिए कि एज का सिलेक्शन, हर एक एज का सिलेक्शन आप अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू दिखाएंगे कि स्टेप वाइज कि पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुआ. अगर आप डायरेक्टली इस ट्री को बना के दे देंगे तो इसमें आपको 0 नंबर मिल जाएगा. स्टेप्स को शो करना जरूरी है
और लास्ट में जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ट्री की कॉस्ट को भी मेंशन करना कंपलसरी, जो भी आपने ट्री बनाया है कि कॉस्ट को मेंशन करना लास्ट में कंपलसरी, लास्ट में आप स्पेसिफाई करें कि जो ट्री की कॉस्ट है वो ए, करेक्ट? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो दोनों मेथड से कॉस्ट सेम आएगी सर? सेम आएगी कॉस्ट, मिनिमल स्पैन ट्री है इसलिए कॉस्ट सेम, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि ये वाला भी देख लेते हैं प्रॉब्लम, जो ग्राफ हमने सिम से लिया था, इस वाले ग्राफ को भी लेके देख लेते हैं। तो जो जो पोजीशंस थी मेरे वर्टिसेस की, उन्हीं पोजीशंस पे हमने वर्टिसेस को ड्रॉ कर लिया और मिनिमम कॉस्ट की एज को सबसे पहले हमें सेलेक्ट कर, तो इस केस में मिनिमम कॉस्ट की एज होगी 3 से 5 जिसकी कॉस्ट है 4, ठीक है। फिर मिनिमम कॉस्ट की एज जो नेक्स्ट है वो है 3 से 4 जिसकी कॉस्ट है 5, फिर जो मिनिमम कॉस्ट की एज है वो है 1 से 2 जिसकी कॉस्ट है 6। सबसे पहले हमने 3 से 5 सेलेक्ट किया जिसकी कॉस्ट है 4, फिर हमने 3 से 4 सेलेक्ट किया जिसकी कॉस्ट है 5, फिर हमने 1 से 2 सेलेक्ट किया जिसकी कॉस्ट है 6। एक 6 कॉस्ट की और भी एज है जो है 4 से 5, लेकिन 4 से 5 अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा साइकिल बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करें। अब 6 कॉस्ट की एज है नहीं, तो हम क्या करते हैं 7 कॉस्ट की एज को देखते हैं, ये सेलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट 7 कॉस्ट की एज और है 7 से 8, अच्छा ठीक है, सॉरी 7 से 8 को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 1 से 3 7 कॉस्ट की सेलेक्ट कर लेंगे, 5 से 7 7 कॉस्ट की सेलेक्ट कर लेंगे, फिर 8 कॉस्ट की एज की बात आएगी, तो 8 कॉस्ट की एज है एक 2 से 3, तो 2 से 3 जो एज है जिसकी कॉस्ट 8 है अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो साइकिल बन जाएगी, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है 6 से 8, 8 कॉस्ट का, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं कि आपके सारे के सारे वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए और कोई भी साइकिल नहीं है, तो ये हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्रिटिकल एल्गोरिथम से मुझे मिल गया। एंड में आप क्या स्पेसिफाई करेंगे, कॉस्ट स्पेसिफाई करेंगे अपने ट्री की, कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू 6 + 7 + 5 + 4 + 7 + 6 + 8, तो लास्ट में इसको टोटल करके दिखा दीजिएगा कि जो ट्री की कॉस्ट है वो है 43। इस तरह से हम क्रिटिकल एल्गोरिथम, आपको मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप शो करना ये जरूरी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप शो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपने हर एक स्टेप को शो करना है। ये जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो कम से कम 4-3 पेज में आना चाहिए। सारे वर्टिसेस दिखाए हमने, उसके बाद फिर कनेक्शन दिखाया, पहला कनेक्शन कौन सा, दूसरे डायग्राम में पहले कनेक्शन को भी दिखाया और साथ ही साथ नेक्स्ट सिलेक्शन किस कौन से एज पर वो भी हमने दिखाया। सेम हम प्रिंस एल्गोरिथम में भी करेंगे कि अलग अलग डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप इसको शो। सर ये भी शो करना पड़ेगा कि साइकिल बन रही है या नहीं बन रही है ग्राफ में? आप बस बता दीजिएगा, वर्ड्स में लिख दीजिएगा कि ये अगर एज हम सेलेक्ट कर ले तो इससे साइकिल बन जाती है, इसको हम डिस्कार्ड, वर्ड्स में लिख दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ बाय डायस्ट्रा सेल, ठीक है। तो इसमें ये इस प्रॉब्लम का ये मतलब है कि एक सोर्स हमें स्पेसिफाइड है, लेट से हमारे पास सोर्स यहाँ पे ए है, तो ए सोर्स से बाकी सभी वर्टिसेस के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब ए से बी, ए से डी, ए से सी, ए से ई, इन इसमें फाइंड करना है कि इन सभी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में क्या क्या शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, या जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका डिस्टेंस क्या है या उसकी कॉस्ट, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक काम करते हैं कि हम सभी वर्टिसेस को सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं ए बी सी डी ई, और हम क्या करेंगे कि इनके प्रेडिसेसर्स को मेंटेन करें, इन वर्टिसेस के प्रेडिसेसर्स को मेंटेन करेंगे जैसे जैसे ये अपडेट होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो ए वर्टेक्स है ए की ए से डिस्टेंस जीरो है और बाकी सारे के जो वर्टिसेस हैं वो अभी अप्रोचेबल नहीं है, इन पे नहीं पहुंचा जा सकता, तो इसलिए इनकी डिस्टेंस ए से इनफाइनाइट मान लिया। याद रखिए कि सोर्स हमारा ए है, तो सारे डिस्टेंस मुझे ए के स्पेसिफिक फाइंड करनी है, ए के अराउंड फाइंड। अभी हमने मान लिया कि न बी पहुंच सकते हैं हम, ना डी, ना ई, ना सी, इसलिए इनकी डिस्टेंस हमने इनफाइनाइट मान लिया। तो जो डिस्टेंस हमने मेंशन किया है जीरो, इनफाइनाइट, 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 इसमें से मिनिमम कॉस्ट वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्वियसली मिनिमम डिस्टेंस वाला या मिनिमम कॉस्ट वाला ए होगा,
ए वर्टेक्स को मार्क कर लेते हैं और इसके बाद फिर ए से जाने वाली एजेस को हम एनालाइज करते हैं। ए से जाने वाली जो एज है एक ये वाली एज है ए से बी, तो आप ए से बी जा सकते हैं 0 + 9 9 कॉस्ट। 9 चूंकि छोटा है इनफाइनाइट से इसलिए हम बी की डिस्टेंस को इनफाइनाइट की जगह 9 कर देते हैं। इसके बाद फिर ए से सी जाने की जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 + 4 मतलब 4 हो जाएगी। ठीक है, चूंकि बी और सी ए के थ्रू हम पहुंच सकते हैं इसलिए बी और सी के प्रेडेसेसर्स को ए सेट कर देते हैं। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। चाहे एक बार दोबारा बता दो सर। ए से बी जाना है तो ए से बी कैसे जा रहे हैं हम? ए बी एच के थ्रू कर दे। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने जितने भी वर्टिसेस हैं इन सभी एक काम करता हूं मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये हट नहीं रहा है तो मैं काम करता हूँ कि इसमें इरेजर लगाता हूँ। अभी हम मान लेते हैं कि ए सोर्स वर्टेक्स है और हम ए से सभी वर्टिसेस पे मुझे जाना है और ये फाइंड करना है कि वहां तक जाने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं मान लेता हूं कि ए से ए की डिस्टेंस 0 है, ऑब्वियसली ए से ए की डिस्टेंस 0 होगी और बाकी सारे जो वर्टिसेस हैं वो अप्रोचेबल नहीं है, अनअप्रोचेबल है, नहीं पहुंच सकते हम उन वर्टिसेस पे, इसलिए उनकी डिस्टेंस हमने इनफाइनाइट कर दी। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम किसी वर्टेक्स पे नहीं पहुंच पाएंगे तो हम मान लेते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए इनफिनिट डिस्टेंस लगेगी या इनफिनिट कॉस्ट लगेगी। अब क्या है कि इन पांचों वर्टेक्स ए बी सी डी ई है जो उनकी कॉस्ट है या जो उनकी डिस्टेंस है मतलब 0 ∞ ∞ ∞ इसमें से सबसे छोटा डिस्टेंस ए 0 ही है, तो 0 वाले को हम सेलेक्ट कर देते हैं, मतलब कि हम ए को सेलेक्ट कर रहे हैं और ए के अराउंड हम आगे चलते हैं और ए से आगे चलते हैं, देखते हैं कि ए से कनेक्टेड वर्टेसेस कौन कौन से हैं। ए से बी जाने का रास्ता है जिसकी कॉस्ट है 9 और ए से सी जाने का रास्ता है जिसकी कॉस्ट है 4। तो आपको क्या करना है, ए से बी जाना है, ए की डिस्टेंस में इस एच की कॉस्ट को ऐड करेंगे तो 0 + 9 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 9 कॉस्ट में आप ए से बी पहुंच जाएंगे। अपडेट कर दीजिए इसको। इसी तरह से 0 + 4 4 कॉस्ट में आप सी पहुंच जाएंगे तो आप सी की डिस्टेंस को या सी की जो कॉस्ट है उसको 4 अपडेट कर दीजिए। क्योंकि आप बी पहुंचे हैं ए के थ्रू इसलिए बी का प्रेडिसेसर ए सेट कर दीजिए और क्योंकि आप सी पहुंचे हैं ए के थ्रू इसलिए सी का भी प्रेडिसेसर ए सेट कर। इतना समझ में आ गया बच्चों? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास चार वर्टेसेस हैं। देखिए, एक वर्टेक्स ए ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, इसको हम भूल जाते हैं। अब वहां पर मेरे पास बचे चार वर्टेक्स बी सी डी और ई। ये जो बी सी डी ई वर्टेक्स है इसमें से हम सबसे कम कॉस्ट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे कम कॉस्ट वाला सी होगा, आया हो ये समझ में आ रहा है आपको? सबसे कम कॉस्ट वाला हमारा सी है, इसलिए हमने सी को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, सी से आगे जाने का रास्ता देखते हैं कौन सा है। सी से आगे जाने का रास्ता एक सी से डी है और एक सी से ई है। ठीक है, एच जा रही है, सी से डी एच जा रही है और सी से ई एच जा रही है। तो सी से डी जाने का जो कॉस्ट है वो 2 है, लेकिन ए से सी पहुंचने की कॉस्ट है 4। देखिए, हमने 4 जो सी की कॉस्ट अपडेट किया है वो ए से सी पहुंचने का है। अल्टीमेटली मुझे डी भी ए से ही पहुंचना है, तो ए से सी पहुंचने की कॉस्ट है 4 प्लस एच की कॉस्ट 2, मतलब कि 6 कॉस्ट में हम डी पहुंचे। ठीक है, देख सकते हैं आप सी पे 4 स्पेसिफाइड है, तो 4 + 2 एच की कॉस्ट, 6 कॉस्ट में आप डी पहुंचे। इसी तरह से सी से ई पहुंचने में कितनी कॉस्ट लगेगी, सी तक पहुंचने की कॉस्ट है 4 प्लस 11 एच की कॉस्ट है, तो ये हमारा 15 हो गया। तो जो ई का कॉस्ट है या ई की डिस्टेंस है उसको हमने 15 सेट कर दिया। क्योंकि डी और ई अपडेट हुए हैं, इनकी डिस्टेंसेस अपडेट हुई है, इसलिए डी का प्रेडिसेसर सी हो जाएगा और ई का भी प्रेडिसेसर सी हो जाएगा। ओके, ये स्टेप समझ में आया बच्चों? यस सर। हमको ए से ई पे पहुंचना है ना? यस, ए से ई पे पहुंचना है, तो ए से सी पहुंचने की कॉस्ट है 4। तो सर ऐसे भी तो जा सकते हैं, मतलब ए से बी और फिर बी से ई। अभी हमने बी सेलेक्ट कहां किया, जो सेलेक्टेड वर्टेक्स से केवल उसी के अराउंड जा सकते हैं ना। एक बार हमने ये किया ना, इसीलिए मिनिमम वाले को हम सेलेक्ट करो। अच्छा, अब मेरे पास जो वर्टिसेस हैं वो है बी डी ई, है ना? दो टिक मार्क हो चुके हैं, टिक मार्क वाले वर्टेक्स को भूल जाओ, बचे हुए वर्टेक्स हैं बी डी ई जिनकी कॉस्ट है 9 6 और 15। तो 6 वाले को हम पिक कर लेंगे, 6 वाला मतलब डी को पिक कर लेंगे। अब डी से आगे जाने का जो रास्ता है वो है 2 कॉस्ट का,
डी से बी जा सकते हैं, केवल एक एज है जो डी से बी हमको लेके जाएगा। अच्छा, डी तक पहुंचने की कॉस्ट इज 6 और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो बी तक आप पहुंच सकते हैं 8 कॉस्ट में, जबकि पहले से यहाँ पे स्पेसिफाइड डिस्टेंस है 9। और ऑब्वियसली बात है, छोटे डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, तो इसको 9 की जगह 8 अब देखो। और बी का प्रेडिसेसर चेंज कर देंगे डी कर देंगे, है ना, डी का, बी का प्रेडिसेसर डी कर देंगे, क्योंकि डी के थ्रू अब आप बी पे, फाइन। ये स्टेप समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब हमारे पास 2 वर्टेक्स बचे जो टिक मार्क नहीं है, एक है बी और एक है ई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला बी है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर बी से आगे जाने के 3 रास्ते हैं, एक है बी से डी, लेकिन वो आपको उस वर्टेक्स के पास लेके जाएगा जो ऑलरेडी टिक मार्क है, तो ये अपडेट नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए। फिर एक है बी से ई लेके जाएगा आपको, हाँ बी से ई वाले को हम अपडेट कर सकते हैं। तो बी से ई को हम कैसे अपडेट करेंगे? बी तक पहुंचने की कॉस्ट है 8 और एच की कॉस्ट है 3, तो 8 + 3 = 11 कॉस्ट में आप ई पहुंच सकते हैं। अभी यहाँ पे 15 डिस्टेंस स्पेसिफाइड है, लेकिन आप यहाँ पे 11 पे पहुंच सकते हैं, तो इसको 11 आप अपडेट कर दीजिए। और साथ ही साथ ई का प्रेडिसेसर चेंज कर दीजिए, ई का प्रेडिसेसर आप चेंज करके कर देंगे बी। ठीक है, अगर मैं सही समझा पा रहा हूँ बच्चों तो। और बी से सी, एच तो है लेकिन इस एच पे, इस एच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सी की तरफ लेके जा रहा है और सी ऑलरेडी टिक मार्क्ड है, मतलब ऑलरेडी आप उसको देख सकते हैं, अब दोबारा नहीं देख। ठीक है, तो अब हमारे पास केवल एक वर्टेक्स बचा जो ई है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो अपडेट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि अदर 4 वर्टेसेस को ऑलरेडी हम सेलेक्ट करते हैं। तो ई से डी, डी एक रास्ता है जो कि 2 कॉस्ट का है, लेकिन वो डी वर्टेक्स पे लेके जाता है जो डी वर्टेक्स को ऑलरेडी देख। तो हम फिनिश करते हैं इस टास्क को, और फिनिश करने के बाद फिर से इन वर्टेसेस को लिखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमारा पाथ क्या बना। तो इन वर्टेसेस को उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये दिख रहे हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे लिख दीजिए, और उसके बाद प्रेडिसेसर के अराउंड आपको प्रोसेस कीजिए। तो देखिए कि बी का प्रेडिसेसर है डी, तो चूंकि बी का प्रेडिसेसर है डी, इसलिए डी से बी की तरफ एक एज होगी। जैसे ए का सी का प्रेडिसेसर है ए, तो ए से सी एक एज होगी। फिर डी का प्रेडिसेसर है सी, तो सी से डी की तरफ एक एज होगी। फिर ई का प्रेडिसेसर है बी, तो बी से ई की तरफ एक एज। ठीक है, इनकी डिस्टेंसेस स्पेसिफाई कर लीजिए ओरिजिनल ग्राफ को देख के एच के ऊपर कॉस्ट में। और आपको पता है कि ए से ए की डिस्टेंस 0 होगी, ए से सी की डिस्टेंस है 4। देखिए, जो भी आपने स्पेसिफाई किया है वर्टेक्स पे डिस्टेंस, वही डिस्टेंस यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ई की डिस्टेंस है 6, ई की डिस्टेंस है 8 और ई की डिस्टेंस है 11। ठीक है, तो ये आप ग्राफ बना के दिखाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद आप एक ग्राफ और एक चीज और बताएंगे कि क्योंकि सोर्स एक था और डेस्टिनेशन कई थे, तो उन सभी डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे कौन कौन सा रास्ता लिया गया। तो अगर आपको ए से सी जाना है तो आप डायरेक्ट रास्ता ए से सी ले, और अगर आपको डी जाना है तो आप ऐसे जा रहे हैं ए से सी एंड देन सी से डी जा रहे। फिर अगर आपको बी तक जाना है तो आप क्या करें, ए से सी जा रहे हैं और सी से डी जा रहे हैं एंड देन डी से बी जा रहे हैं। एंड देन अगर आपको ए से ई जाना है तो पहले आप ए से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, सी से बी जा रहे हैं एंड देन फाइनली आप बी से ई जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने रास्ता अख्तियार किया। तो आपको क्या दिखाना है, ये अपडेशन दिखाने हैं अलग अलग डायग्राम के थ्रू, हर स्टेप में कौन कौन सा अपडेशन हो रहा है। देन उसके बाद ये फाइनल आपको बनाना है ग्राफ, जिसमें कि आपको पता चले कि कौन सी आपने पाथ को फॉलो किया। और ये भी मेंशन करना है कि हर एक वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए सोर्स वर्टेक्स ए से कौन कौन सा रास्ता आपने लिया। हर एक वर्टेक्स के ऊपर आपको ये भी स्पेसिफाई करना है कि क्या डिस्टेंस है उस वर्टेक्स तक पहुंचने का। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। Yes, चलिए एक और क्वेश्चन पिक करते हैं।
जो कि इसी डायस्ट्रस एल्गोरिथम से रिलेटेड है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये जो ग्राफ है इसमें मान लीजिए कि जो सोर्स वर्टेक्स हमारा है वो पी है ना, और सोर्स वर्टेक्स पी से बाकी सबकी डिस्टेंस आपको फाइंड, तो मान लेते हैं कि सोर्स से सोर्स के डिस्टेंस जीरो और बाकी सबकी डिस्टेंस इनफाइनाइट। अब आपको प्रेडिसेसर्स बनाने होंगे, प्रेडिसेसर्स के लिए आप इन वर्टेसेस को स्पेसिफाई करते हैं पी क्यू आर एस टी और यू, और इनके प्रेडिसेसर्स को हम यहाँ पे नोट करते हैं। जैसे जैसे अपडेशन होंगे प्रेडिसेसर्स को नोट करते हैं, क्योंकि सोर्स वर्टेक्स पी है तो देखिए कि पी से जाने, अच्छा पी ही सेलेक्ट हो जाएगा हमारा सबसे पहले स्टेप में क्योंकि इसकी डिस्टेंस सबसे कम है जीरो। इससे जाने वाले तीन एजेस हैं, पी से क्यू, पी से एस और पी से टी। तो पी से क्यू की डिस्टेंस अपडेट कर दीजिए 1, पी से एस की डिस्टेंस अपडेट कर दीजिए 6 और पी से टी की डिस्टेंस अपडेट कर दीजिए 7। और क्यू एस और टी इन तीनों का प्रेडिसेसर पी सकते हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। सबसे कम कॉस्ट वाला पी था, पी को हमने सेलेक्ट किया और पी से जाने वाले जो एजेस उनको हमने एनालाइज किया, अकॉर्डिंगली हमने क्यू एस और टी के डिस्टेंसेस को अपडेट कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये? यस सर, यस सर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि क्यू एस और टी इनमें से मिनिमम कॉस्ट वाला कौन सा है, देखिए चेक कीजिए, बल्कि Q, S, T, R और U इनमें मिनिमम कॉस्ट वाला एज कौन सा? मिनिमम कॉस्ट वाला vertex, not edge. वो Q है, one cost. तो Q को सेलेक्ट कर लीजिए। अब Q से देखिए कि क्या ऑपरेशंस पॉसिबल। Q से आप R जा सकते हैं, Q से S जा सकते हैं। तो Q से R जाने के लिए एज है कि कॉस्ट है 1 और Q तक पहुंचने की कॉस्ट है 1, तो 1 प्लस 1 2 डिस्टेंस में आप R पहुंच सकते हैं, अपडेट कर दीजिए। इसी तरह से आप 1 प्लस 4 5 कॉस्ट में S तक पहुंच सकते हैं, तो S का भी डिस्टेंस अपडेट कर दीजिए। तो R और S आप पहुंच रहे हैं Q के थ्रू मिनिमम कॉस्ट में, तो R और S के जो प्रेडिसेसर्स हैं उनको आप अपडेट कर दीजिए Q। आई होप आपके समझ में आ रहा है, ये स्टेप समझ में आया बच्चों? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद चार वर्टिसेस बचे, R, S, T, U। इसमें मिनिमम कॉस्ट वाली एज है, सॉरी मिनिमम कॉस्ट वाला जो वर्टेक्स है वो है R, इसकी डिस्टेंस है 2, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे अगर आप R से S जाएंगे, R से S जाने की कॉस्ट है 2, लेकिन P से S जाने की कॉस्ट हो जाएगी 2 प्लस 2 4, तो S का डिस्टेंस फिर से अपडेट हो गया 5 से 4 हो गया। इसी तरह से R से T आप जा सकते हैं कितने कॉस्ट में, 2 प्लस 1 3 कॉस्ट में, 2 प्लस 1 3 कॉस्ट में आप U भी जा सकते हैं। इनके प्रेडिसेसर्स अपडेट कर दो, U का प्रेडिसेसर R और S का भी प्रेडिसेसर R, R का प्रेडिसेसर कई बार अपडेट हो रहा है, ठीक है? केवल यही दो रास्ते हैं R से जाने के आगे। अच्छा, अब आपके पास जो वर्टेक्स बचे हैं वो बचा है S, P और U। इसमें सबसे कम कॉस्ट का एज है U, 3 कॉस्ट वाला, इसको सेलेक्ट कीजिए। लेकिन इसके सिलेक्शन से कोई अपडेशंस नहीं होंगे, क्यों ऑपरेशन नहीं होंगे? क्योंकि U से आगे जाने वाली कोई एज, इसको समझ पा रहे हैं बच्चों? U से आगे जाने की कोई एज नहीं, इस टाइम इसको इससे ऑपरेशंस नहीं। बचे दो वर्टेक्स S और T, इसमें शॉर्टेस्ट वाला है S जिसकी कॉस्ट है 4। तो S से दो एजेस निकलती हैं, एक S से T जाता है और एक S से U। S से U जाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि U ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका था। S से T जाते हैं, 4 प्लस 3 कॉस्ट में T पहुंच जाएंगे, 4 plus 3 मतलब 7 कॉस्ट में, लेकिन इसकी डिस्टेंस तो ऑलरेडी 7 ही है, इसकी कॉस्ट ऑलरेडी 7 है, तो इसमें कोई अपडेशन नहीं होगा, इसको भी ऐसे छोड़। लास्ट में बचेगा केवल T, आप T को सेलेक्ट करेंगे लेकिन कोई अपडेशन तो होगा नहीं क्योंकि बाकी वर्टिसेस जो 5 हैं वो ऑलरेडी कभी ना कभी सेलेक्ट हो चुके हैं, उन पर टिक मार्क हो चुका है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और इस प्रोसेस को हम कंप्लीट मानते हैं। पहले ग्राफ बनाते हैं, वर्टेक्स जहां जहां हमें दिख रहे हैं ग्राफ में वहीं पे हम इन वर्टिसेस को ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद प्रेडिसेसर्स के थ्रू हम ग्राफ बनाते हैं। तो क्यू का प्रेडिसेसर है पी, इसका मतलब है पी से क्यू एज है। आर का प्रेडिसेसर है क्यू, इसका मतलब क्यू से आर एज है। एस का प्रेडिसेसर है आर, इसका मतलब आर से एस एक एज है। टी का प्रेडिसेसर है पी, इसका मतलब क्या है कि पी से टी हमने एक एज सेलेक्ट किया है।
और यू का प्रेडिसेसर है आर, इसका मतलब क्या है कि आर से यू हमने एक एज सेलेक्ट, कॉस्ट स्पेसिफाई कर लीजिए इनके ऊपर एजेस की, और इसके अलावा डिस्टेंस सेट कर लीजिए इन वर्टिसेस के ऊपर, और एज ए लास्ट स्टेप आपको क्या करना है सारे पाथ को शो करना, क्या सारे पाथ को मतलब कि पी से आप क्यू जा सकते हैं, फिर आप पी से टी डायरेक्ट जा सकते हैं, फिर अगर आपको पी से आर जाना है तो वाया क्यू जाना पड़ेगा, तो पी से क्यू एंड देन क्यू से आर, आपको एस जाना है तो आप कैसे जाएंगे पी से क्यू देन क्यू से आर एंड देन आर से एस, और अगर आपको यू जाना है तो कैसे जाएंगे आप पी से क्यू जाएंगे क्यू से आर जाएंगे और फिर आर से, ठीक है बच्चों समझ में आ गया। मेजर चीज ये है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप ही शो करें, शॉर्टकट में ना शो करें, करेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। आगे चलें। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले, तो नेक्स्ट हमारा है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है कि बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। तो मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पे, क्योंकि इसको कंप्यूट करने में काफी टाइम लगता है, आप लोग भी इसमें समझते रहिए बस। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक वेट मैट्रिक्स था, ठीक है, एक हमने वेट मैट्रिक्स बनाया, और ये जो वेट मैट्रिक्स है उस वेट मैट्रिक्स में क्या किया कि हमने जितने वर्टिसेस हैं उसको रो साइड में मेंशन किया, जितने वर्टिसेस को कॉलम साइड में मेंशन किया, और बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टेक्स जो कॉस्ट आ रही है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर, जैसे कि 1 से 2 एज है जिसकी कॉस्ट है 3, तो हमने यहाँ पे 1 से 2 एंट्री को 3 दिखा, 1 से 4 एक एज है जिसकी कॉस्ट है 7, तो यहाँ हमने 7 दिखा, 2 से 1 एज है जिसकी कॉस्ट है 8, जो हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, 2 से 3 एक एज है जिसकी कॉस्ट है 2, हमने 2 स्पेसिफाई कर दिया, 3 से 1 5 है, 3 से 4 1 है, 4 से 1 2 है, और जो हमें एंट्रीज खाली रह गई उनको हमने 0 कर दिया। तो ये हमारी वेट मैट्रिक्स, ठीक है, वेट मैट्रिक्स। वेट मैट्रिक्स को बनाने के बाद हम डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते हैं, और डिस्टेंस मैट्रिक्स में मानते हैं कि ये D0 मैट्रिक्स है। अच्छा, इस D0 मैट्रिक्स में क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज है, मतलब 1 1 2 2 B3 और 4 4, इनको तो आपने 0 ही रखा, लेकिन इसके अलावा डायगोनल एंट्री के अलावा जितनी भी 0 एंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल 1 से 3 एंट्री, ये 1 से 3 को आपने इनफिनाइट कर दिया, इसी तरह से 3 से 4 को आपने इनफिनाइट कर दिया, 3 से 2 को आपने इनफिनाइट कर दिया, 4 से 2 को इनफिनाइट कर दिया, और 4 से 3 को इनफिनाइट कर दिया, ठीक है? तो डायगोनल एंट्री 0 ही रहने दिया और बाकी जगह जहां जहां 0 था उसको इनफिनाइट। तो ये इनफिनाइट मुझे ये बता रहा है कि ये वर्टिसेस अप्रोचेबल नहीं, मतलब 3 से 2 इनफिनाइट, इसका मतलब 3 से 2 अप्रोचेबल नहीं, अभी नहीं अप्रोचेबल, हो सकता है कि किसी वर्टेक्स के वाया हम वहां पे जा सकते हैं। तो यही हमें करना है कि हर एक वर्टेक्स को एक बार मीडिएटर लेके देखना है कि क्या हम वहां पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। तो जो जो एंट्रीज हैं इस डिस्टेंस मैट्रिक्स में, D0 से हम D1 ऑब्टेन करते हैं। D1 का क्या मतलब है, D1 का मतलब है, पहले D1 यहाँ पे शो हो जाए, D1 यस शो हो गया, D1 का ये मतलब है कि 1 वर्टेक्स मेरा मीडिएटर है, तो 1 के थ्रू देखते हैं हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए D0 से D1 मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए D0 में जितनी भी डायगनल एंट्री उसको 0 ही रहने दीजिए, फर्स्ट रो की एंट्री और फर्स्ट कॉलम की एंट्री को अनचेंज रहने दीजिए, कोई भी चेंजेस मत कीजिए, ठीक है, समझ रहे बच्चों आप मेरी बात, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री को चेंज मत कीजिए। अगर हम D2 निकालेंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम की एंट्री को चेंज नहीं करें, तो 3 चीजें हैं, डायगोनल एंट्री को चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट रो एंट्री को चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉलम की एंट्री को चेंज नहीं करेंगे, और बाकी एंट्रीज को आप एक एक करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप एंट्री फाइंड कर रहे हैं, लेट्स से 2 3, तो हो सकता है कि 2 से 3 डायरेक्ट एज की कॉस्ट मिनिमम हो, या ऐसा पॉसिबल है कि 2 से 1 आप चले जाएं और 1 से 3 चले जाएं, इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर लीजिएगा, हो सकता है ये मिले। तो अगर हम D0 मैट्रिक्स को देखें तो 2 से 3 एंट्री 2 है,
और टू से वन एंट्री है एट, और वन से थ्री एंट्री है इनफिनाइट. ऑब्वियसली बात है कि इनफिनाइट प्लस एट इनफिनाइट हो जाएगा. तो टू से थ्री एंट्री जिसकी कॉस्ट है टू, वही मिनिमम. तो हमने डी वन मैट्रिक्स में टू से थ्री एंट्री को टू ही रखा. अब आप देखिए टू से फोर एंट्री हम देखते हैं. तो टू से फोर एंट्री डायरेक्ट कॉस्ट है इसकी इनफिनाइट. लेकिन अगर आप वाया वन जाए तो देखिए क्या अपडेट होता है. तो टू से वन जाने की जो कॉस्ट है वो है एट, और वन से फोर जाने की जो कॉस्ट है वो है सेवन. मैट्रिक्स को देखिए, डी जीरो मैट्रिक्स को वन से फोर जाने की जो कॉस्ट है वो है सेवन. एट प्लस सेवन फिफ्टीन कॉस्ट में आप पहुंच सकते हैं कहां पे, टू से फोर. तो आपने यहां पे देखिए कि रेड कलर में इस एंट्री को 15 अपडेट कर दिया, इनफाइनाइट की जगह ये 15 हो गया है. समझ पा रहे बच्चों इसको? इस स्टेप को अगर आप समझेंगे तभी आप आगे की बात समझ पाएंगे. यस सर, एक बार और बता दीजिए. अच्छा चलो मैं एक और एंट्री चेक करके देखते हैं. हम देखते हैं मैट्रिक्स में एंट्री देखते हैं थ्री से टू. ठीक है, मैट्रिक्स में हमने एंट्री देखना है थ्री से टू. कलर चेंज. तो थ्री से टू एंट्री अगर आप ध्यान से देखो तो थ्री से टू एंट्री हो सकता है कि डायरेक्टली मिनिमम हो. इसकी कॉस्ट है इनफाइनाइट, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली मिनिमम तो नहीं हो सकता ये. थ्री से वन जाइए और वन से टू चले जाइए. थ्री से वन जाने की कॉस्ट है फाइव, मैट्रिक्स को रेफर कीजिए, और वन से टू जाने की कॉस्ट है थ्री. देखिए मैट्रिक्स को रेफर, तो फाइव प्लस थ्री एट कॉस्ट में आप थ्री से टू जा सकते हैं. तो देखिए यही जो एट है वो हमने डी वन मैट्रिक्स में अपडेट कर. ठीक है, ये समझ में आ गया सर? अगर वो एरो वन से थ्री होता तो नहीं कर पाते ना ये एरो डायरेक्शन सर. आप केवल मैट्रिक्स को रेफर करो, डायरेक्शन नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, डायरेक्शन तो देखोगे ही देखोगे ऑब्वियसली. डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो आपने वेट मैट्रिक्स बनाया और उसी से आपने डी जीरो मैट्रिक्स बनाया. एक और एंट्री देखते हैं, चलो फोर से टू एंट्री देखते हैं. तो फोर से टू एंट्री डायरेक्टली है ये इनफाइनाइट, लेकिन आप फोर से वन जाएं और वन से टू जाएं तो हो सकता है मिनिमम. तो फोर से वन जाने की कॉस्ट है टू, और वन से टू जाने की कॉस्ट है थ्री. तो टू प्लस वन, सॉरी टू प्लस थ्री, फाइव कॉस्ट में आप फोर से टू पहुंच सकते हैं. इसीलिए आपने फाइव अपडेट किया है फोर से टू एंट्री, फाइनाइट की जगह ये फाइव हो गया. अगर आपको शॉर्टर डिस्टेंस मिले तो आपको अपडेट करो. ठीक है, आप जब डी वन एंट्री फाइंड कर लेंगे डी वन मैट्रिक्स तो आपको डी टू फाइंड करना. डी टू का क्या मतलब है कि पहले तो डायगोनल एंट्री अनचेंज्ड, मतलब डी वन से डी वन को आप रेफरेंस लेंगे इस केस में. डी वन में डायगोनल एंट्री अनचेंज्ड, सेकंड रो की एंट्री अनचेंज्ड और सेकंड कॉलम की एंट्री अनचेंज्ड, कोई चेंजेस नहीं. बची हुई एंट्री को आप एक एक करके देख लीजिए, अगर कोई अपडेट हो रहा है तो अपडेट करो. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अरे नोटेशन हटा रहा हूं. मैं वन से थ्री एंट्री देखता हूं, तो हो सकता है कि वन से थ्री डायरेक्टली मिनिमम हो या फिर आप वाया टू चले जाए, वन से टू और टू से थ्री. तो वन से टू जाने की जो कॉस्ट है डी वन मैट्रिक्स को अगर आप प्रेफर करें तो वन से टू की जो कॉस्ट है वो थ्री है, और जो टू से थ्री की कॉस्ट है वो टू है. तो थ्री प्लस टू फाइव कॉस्ट में आप वन से थ्री पहुंच सकते हैं. अभी वन से सर अगर ऑलरेडी मिनिमम है तो उसको चेंज भी करेंगे? नहीं नहीं, मिनिमम ऑलरेडी उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही रहेगी ना. अब यहाँ पे देखिए फाइव अपडेट हो, इनफाइनाइट से फाइव अपडेट हो गई, ये हम डी टू फाइंड कर. इसी तरह से इस एंट्री को चेक कर लेते हैं. ये सॉरी ये मैं गलती से रेड कर दिया, ऑलरेडी 15 है. इस एंट्री को चेक करते हैं फोर से थ्री को. तो हो सकता है कि फोर से थ्री डायरेक्टली मिनिमम हो नहीं, लेकिन ये इनफाइनाइट है. लेकिन आप वाया टू चले जाएं, फोर से टू और टू से थ्री. तो फोर से टू एंट्री है फाइव, और टू से थ्री एंट्री है मेरे पास टू. तो फाइव प्लस टू सेवन कॉस्ट में आप पहुंच सकते हैं फोर से थ्री. तो आपने सेवन यहाँ पे अपडेट किया. ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, डी थ्री फाइंड करेंगे. ये जो रफ वर्क है ना, इस रफ वर्क को राइट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने रफ वर्क के थ्रू इसको कंप्यूट किया है. तो डी टू फाइंड करने के बाद आप डी थ्री फाइंड करेंगे सिमिलर मेथड से. तो क्या करेंगे, डी टू में जो डायगोनल एंट्री वो अनचेंज रह जाएगी, थर्ड रो अनचेंज रहेगा, थर्ड कॉलम भी अनचेंज रहेगा. बाकी एंट्रीज को आप एक एक करके चेक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंसेस को अपडेट. और चूंकि इसमें चार वर्टेक्स हैं इसलिए आपको डी फोर तक कंप्यूट करना पड़ेगा. फोर्थ मैट्रिक्स की फाइंड आपको करनी पड़ेगी, फोर्थ नंबर वर्टेक्स को, फोर्थ नंबर वर्टेक्स को मीडिएटर लेके इस काम को आपको करना पड़ेगा.
तो फिर से वही काम करेंगे कि जो d3 आप फाइंड करेंगे उसमें डायगनल एंट्री अनचेंज्ड, फोर्थ रो अनचेंज्ड एंड फोर्थ कॉलम ठीक है। और उसके बाद जो बच गई एंट्री उनको एक एक करके आप फाइंड कर लीजिए, देखिए कि क्या अपडेशन है, कोई अपडेशन है तो अपडेट कर दीजिए, और जो भी अपडेट करें उसको हाईलाइट कर दें। कैसे हाईलाइट करेंगे, आप इनसर्कल कर दीजिए जिससे पता चले कि डी वन और डी टू के बीच में क्या क्या चेंजेस आए, डी टू और डी थ्री के बीच में क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि मैंने इसमें रेड कलर से दिखाया है, उसी तरह से आप अपने एग्जाम में एनसर्कल करके बता दें। मैं आपको फिर से इन सबको हटा के बताता हूँ कि जैसे देखिए कि यहाँ पे ये चेंज हुआ है, जो इसको एनसर्कल कर दें, चेंज हुआ है एनसर्कल कर दी, चेंज हुआ एनसर्कल कर, और रफ वर्क में जरूर करके दिखाइएगा कैलकुलेशंस, जिससे कि पता चले। रफ मतलब राइट साइड में एक रफ ऐसे खींच लीजिए रहा, और वहां पे रफ वर्क करते रहिए जिससे कि दिखे कि आपने रफ वर्क है। तो इस काम को पूरे नंबर स्कोर करने हैं तो रफ वर्क भी दिखाना है और इन सारी मैट्रिसेस को भी, और क्या क्या चेंजेस हुए इन चेंजेस को भी मुझे इन सर्कल करके बताना ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। यस सर। सर जब भी शॉर्टेस्ट पाथ पूछेगा तो सर पूरी मैट्रिक्स बनाने के बाद लास्ट वाली मैट्रिक्स में देखेंगे सर शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी। लास्ट मैट्रिक्स जो है D4 मैट्रिक्स, ये शॉर्टेस्ट पाथ।